नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जो गपशप और कानाफूसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। इंसान का जीवन वक्त और हालात पर निर्भर करता है। एक वक्त था जब वो बुलंदी पर थे, लेकिन आज वो जमीन पर हैं। बात आज उत्तर प्रदेश के एक चर्चित नेता आजम खां की, जिनकी बीजेपी सरकार से टकराहट के बाद लगातार उनके ऊपर मुकदमे, उनकी सदस्यता, उनकी यूनिवर्सिटी, जो उनका सपना था, सब बुलडोजर चलना, जमींदोज होना, कई सारी कहानियां चल रही हैं। आजम खां सियासत में एक वक्त पर उनका बहुत ऊंचा मकाम था, और अगर आज देखेंगे आप तो अपने राजनीतिक दौर के वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कभी वो खुद सरकार हुआ करते थे, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव, आजम खां सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाने गए। उनके मंत्रालय में वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, आप उन्हें एक निरंकुश तानाशाह भी कह सकते हैं। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद जब योगी सरकार आई तो उसने एक के बाद एक आजम खां पर शिकंजा कसना शुरू किया। सरकार की इस कार्रवाई में आग में घी डालने का काम आजम खां की बयानबाजी ने, उनकी तुनक मिजाजी ने की, जिसकी वजह से वो लगातार चर्चा में आते गए और सरकार का बुलडोजर उनके जौहर यूनिवर्सिटी पर तेजी से चलता गया। सबसे पहले उनके खिलाफ तमाम सारे मुकदमे कायम किए गए, करीब 90 के लगभग उन पर मुकदमे हैं। फिर उनकी यूनिवर्सिटी के कागज पत्थर चेक हुए, फिर उस पर बुलडोजर चला। इन सब तमाम मामलों में आजम खां की गिरफ्तारी हुई, उनको जेल जाना पड़ा, 27 महीना वो जेल में रहे। ऐसा क्यों हुआ? योगी से टकराने का नतीजा आजम खां को आज तक भुगतना पड़ रहा है। बताया जाता है कि हेट स्पीच के मामले में आजम खां का कोई मुकाबला नहीं। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और रामपुर के डीएम पर बहुत तल्ख टिप्पणियां की थी। सरकारी कर्मचारियों को वो हमेशा कहा जाए तो जूते की नोक पर रखते थे, उन्हें तनखैया कहते हैं। मायावती से उस समय समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और उन्होंने कहा कि मायावती अधिकारियों से रुमाल से उनके अपने जूते साफ करवाती हैं, वो भी वक्त आएगा। तो ये सब जो बयान चले उनका इससे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ, शायद उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया रहा होगा। लेकिन जब वो 27 महीना जेल में रहे, कोरोना हुआ, उनके बेटे की सदस्यता चली गई, चुनाव के पहले उनकी जमानत हो गई और वो चुनाव जीत भी गए, 10वीं बार वो विधायक बन गए, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की बनी, योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने और मुकदमों का दौर जारी रहा, बुलडोजर का भी दौर जारी रहा। आजम खां सरकार के निशाने पर आ गए, हालांकि उनके लहजे में थोड़ी नरमी आई, लेकिन अब काफ़ी देर हो चली है। बीजेपी सरकार उनको कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। जब उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दिया तो वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट लोकसभा में चुनाव जीत गया, वो भी लाठी के दम पर, और ये आजम खां और उनके लोग चिल्लाते रह गए कि वोट नहीं डालने दिया गया। तो जो लोग ये मानते थे कि आजम खां जैसे दिग्गज, जिनका अपनी पार्टी में और सरकार में कोई मुकाबला नहीं है, उनकी सियासत अचानक से ढलान पर आ जाएगी, आप इसे राजनीतिक अवसान काल भी कह सकते हैं, कि उस ओर वो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि आजम खां जैसे लोग इतना आसानी से सियासत से जाने वाले नहीं हैं, यानी कि जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। उनकी योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी सरकार से लड़ाई अप्रत्यक्ष है, लेकिन आजम खां अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा जाने गए, चाहे वो सरकार में रहे तो जब उन्होंने तब भी जयाप्रदा का विरोध किया, और जब वो बीजेपी से लड़ने आई तब तो फिर क्या क्या बातें कही गई, कलर, रंग, बयान, कपड़ों पर, सब पर, तमाम चीज़ों पर आया।
समाजवादी पार्टी ये जानती है कि आजम खान एक बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता हैं, एक उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनके फॉलोअर हैं, और उन पर जो कार्रवाई होती है उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जब चुनाव आता है तो मिलता है, क्योंकि सहानुभूति होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अतीत में जो आप छोटी छोटी खताएँ करके आते हैं उसका खामियाजा भविष्य में बड़ा भुगतना पड़ सकता है। आजम खां का मामला इस मामले में उदाहरण है। अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, वो विधायक भी नहीं रहे, सांसद से वो इस्तीफा देके विधायक बने थे, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। और यूपी में पिता पुत्र की ये पहली ऐसी जोड़ी है जिसको दोनों को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। पहले एक बार बेटे की गई थी, अब बाप की भी चली गई। आजम खां का एक अधिकारी आले हसन था जिसने कई सारे निर्दोषों को जेल में भेजा सीओ, अब वो आज खुद भी जेल में है। तो जब कोई बड़ा जहाज नदी में उतरता है तो अपने साथ 4, 6, 10 छोटी मोटी नावों को भी डुबो लेता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आजम खां या तो जेल में रहते वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाएं, या उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ दे, अन्यथा वो सियासत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। देर सवेर फिर वो बाउंस बैक करेंगे और लड़ने की कोशिश जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी अजब सी लगती हैं। एक अफसर जो सरकार के बहुत गुडबुक में होता है, जिसको बड़ा महत्व मिलता है, अचानक से सरकार उससे नाराज होती है और उसको ऐसे भूल जाती है कि जैसे कभी वो उनकी आँख का तारा था, आज पता नहीं क्यों आँख की किरकिरी बन गया। बात उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ अफसरों की है जिनका वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो वनवास कब खत्म होगा ये देखना होगा। बात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे डीके ठाकुर की और कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे विजय सिंह मीना की भी होगी, क्योंकि पिछले 5 महीनों से ये दोनों अधिकारी वेटिंग में हैं, बिना काम के हैं, तनख्वाह मिल रही है लेकिन उनके पास कोई पद नहीं है। आप समझिए कि जब लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी बनी तो डीके ठाकुर इसके दूसरे पुलिस कमिश्नर बनाए गए। डीके ठाकुर इससे पहले एक बार लखनऊ के एसएसपी रह चुके हैं, वो अनुभवी अफसर थे। सरकार ने माना कि उनको लखनऊ का चार्ज दिया जाए और वो करीब 2.25 साल लगभग लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे, लेकिन उनको वेटिंग में डाल दिया गया हटाकर, और उसके बाद से वो कहाँ हैं इसको शायद कोई नहीं जानता। विजय सिंह मीना को चुनाव आयोग ने पुलिस कमिश्नर बनाया था, डीके ठाकुर के साथ उनको भी हटाया गया, और मीना भी आजकल कहाँ हैं सरकार को खुद नहीं पता होगा कहाँ तैनात किया है, क्योंकि तैनाती है ही नहीं है। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इन अफसरों का वनवास खत्म होगा, क्योंकि सरकारें जब पोस्टिंग देती हैं तो उन पर बड़ा भरोसा करती हैं, लेकिन जिलों से हटाने के बाद उनकी ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझती। ऐसा क्या हो जाता है, कौन सी ऐसी शिकायत होती है, ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। यूपी पुलिस में ये अक्सर होता है, लेकिन आज की तारीख में आप देखें तो बहुत सारे अधिकारी वेटिंग में पड़े हैं, वो तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। इसमें ADG है, IG है, DIG है, SP रैंक के भी अफसर शामिल हैं। हम कुछ नाम आपको बताएंगे। डीके ठाकुर विजय मीना के अलावा केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं DIG रैंक के अफसर अजय मिश्रा, उनको भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक कोई नई तैनाती नहीं मिली है, वो भी एक तरह से वेटिंग में चल रहे हैं। पिछले दिनों 2 IPS अफसरों को सरकार ने बहाल कर दिया है जो निलंबित चल रहे थे। उसमें बिकरू कांड में चर्चा में आए तत्कालीन कानपुर के SSP अनंतदेव तिवारी थे, जो अब इस समय DIG रैंक में आ चुके हैं, और दूसरा आपको याद होगा कि गाजियाबाद में SP थे पवन कुमार, जिनको सरकार ने बिना कारण नाहक निलंबित कर दिया था। उस समय मैसेज यह गया कि उनको भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया जा रहा है, लेकिन पवन कुमार के बारे में लोग जानते हैं कि वो 100% ईमानदार IPS अफसरों में उनकी गिनती है, तो भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लग रहे थे वो खारिज हो गए। लेकिन
इन दोनों अफसरों को भी अभी तैनाती का इंतजार है। सरकार ने माना कि ये निर्दोष हैं, लेकिन अब इनको कब वो मेन स्ट्रीम में लाती है ये देखना होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग से एक बड़ी खबर ये है कि बाराबंकी में एसपी हैं अनुराग वत्स, उनको केंद्र की आईबी मिनिस्ट्री में तैनाती मिल चुकी है। उनको एक महीना पहले ये तैनाती मिली, सब कुछ हो चुका है, एनओसी है, लेकिन यूपी सरकार उनको रिलीव नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि उन्हीं के साथ जो नोएडा में जेसीपी थे लव कुमार, उनको पोस्टिंग केंद्र में मिली थी और सरकार ने उन्हें रिलीव भी कर दिया था, लेकिन अभी तक अनुराग वत्स के जाने की चर्चा कहीं नहीं है। अगला मामला ये है कि सरकार इन अफसरों को पोस्टिंग देगी, इनका वनवास ख़त्म करेगी, साथ ही लखनऊ मंडल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के पुलिस कप्तानों पर गाज भी गिरनी तय है। लखनऊ मंडल में कम से कम दो जिले हैं जिन पर एसपी का हटाया जाना लगभग तय है। माना जा रहा है कि ये मामले इसलिए रुके हैं क्योंकि त्योहारों का एक मौसम चल रहा था, तो ये अक्टूबर का महीना संवेदनशीलता के लिहाज से पुलिस विभाग में फेरबदल को रोकता है। लेकिन अब नवंबर आने वाला है और त्यौहार सब बीत चुके हैं, तो यूपी पुलिस में कई सारे बड़े फेरबदल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। राजधानी लखनऊ में भी एडीजी से लेकर एसपी लेवल तक कई सारे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकारें चाहे जितना विकास का दावा करें, कानून व्यवस्था की दावा करें, लेकिन एकाध असंतुष्ट गुट ऐसा होता है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ अक्सर मोर्चा खोलता रहता है। तो सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपाती है, दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री, नेता, विधायक, सांसद अपनी ही सरकार की कई बार पोल खोल देते हैं। योगी सरकार या यूं कहिए बीजेपी सरकार जब पहले पार्ट में थी और जब दूसरा पार्ट चल रहा है, तब भी एक बात ये कॉमन से आरोप है कि यहाँ पर अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती, अफसरों का राज चल रहा है, अफसर मनमानी करते हैं, नेता अफसरों से परेशान हैं। आप गाहे बगाहे ये सब चीज़ें सुनते होंगे और विधायकों और सांसदों, मंत्रियों के फ्रस्ट्रेशन भी सामने आते रहते हैं। आज बात फिर से बीजेपी के कैसरगंज से सांसद बिजभूषण शरण सिंह की। बिजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी सरकार पर अटैकिंग हैं, वो बेबाक बोलते हैं, हालांकि वो जमीनी बात बोलते हैं लेकिन वो सरकार के खिलाफ होती है। अब उन्होंने ताज़ा बयान ये दे दिया, वो बाराबंकी में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के घर पर उनके भाई के निधन में आए थे, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि ये सरकार में अधिकारी पूरी तरह से हावी हैं और विधायक और सांसद अधिकारियों के पैर छूते हैं, यहाँ तक कि वो उन्हें सरसर कहते रहते हैं। क्यों तो विधायकों और सांसदों के अंदर जिगरा नहीं बचा है। तो ये जो सांसद जी हैं ये पहली बार नहीं बोले हैं, इससे पहले बाढ़ के एक मामले में वो गोंडा में गए थे, वहाँ उन्होंने अपनी सरकार और पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया कि बाढ़ से पहले उसकी तैयारियों की कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हमसे ज़्यादा ना बुलवाओ क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जुबान बंद है, बोलना बंद है, बोलोगे तो बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे तो कोई मानेगा नहीं। ये बृजभूषण शरण सिंह के बयान हैं। उनका कहना है कि गोंडा में जो बाढ़ आई थी उनका घर खुद डूब गया, उन्हें ट्रैक्टर से आना जाना पड़ रहा है अपने घर पर, लेकिन वो दुखी हैं पर कुछ कह नहीं सकते। बृजभूषण खुद सांसद हैं, उनका लड़का विधायक है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, बाहुबली माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बेबाक बयान देते हैं ये साफ है कि वो अपनी सरकार को भी चुनौती देने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। जनहित के मुद्दों की आड़ जरूर वो लेते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि कोई सांसद सरकार के खिलाफ ऐसे बोलेगा तो सरकार को बहुत अच्छा नहीं लगता है, और जिस तरह से बृजभूषण की छवि रही है उसको सरकार को उनके बयान हजम भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टीगत मजबूरियां होती हैं, चाहकर भी सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं कर सकती। हालांकि वो ये कहते हैं कि पहले नेता जो थे वो संगठन से आते थे, छात्र संघ से आते थे, एबीवीपी से आते थे,
तब आकर विधायक और सांसद बनते थे। अब तो संविदा पर नेता आते हैं, सीधा विधायक और सांसद बन जाते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे, किसी अफसर से क्या लड़ पाएंगे? वो सर सर के अलावा, हाथ जोड़ने के अलावा कुछ करते नहीं। वो जानते हैं कि यही हमारे माई बाप हैं, इनसे व्यवहार बना के रखो, आगे इन्हीं से काम चलना है। हम तो 5 साल के लिए हैं, ये तो पूरी उम्र है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में IAS अफसर होना मतलब आप राजा घोषित हो गए, और जब आप राजा घोषित हो गए तो स्वाभाविक है कि राजा अपनी प्रजा से जैसा चाहे व्यवहार करे, और जिससे चाहे प्यार करे, चाहे इंसान से चाहे जानवर से। आपको याद होगा कि फतेहपुर में एक DM थी अपूर्वा दुबे, उनका पशु प्रेम लोगों ने देखा। जब उनकी गाय बीमार हो गई तो उनकी गाय की देखभाल के लिए पूरे जिले भर के डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई थी। बड़ा हंगामा हुआ, बड़ी फजीहत हुई, मामला बेहद गर्माया, लेकिन अपूर्वा के पति मुख्यमंत्री कार्यालय में थे, बाद में वो कानपुर के नगर के अभी भी DM हैं, तो उनको फिर से उन्नाव का जिलाधिकारी बना दिया गया। अब एक अफसर का और पशु प्रेम सामने आया है। यहाँ पर DM नहीं, कमिश्नर साहिबा हैं। कमिश्नर साहिबा का गाय के बजाय इस बार डागी प्रेम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो काऊ और डागी अफसरों के लिए तमाम जो पशु प्रेम है उस अलग अलग रूपों में वो दिखता है। बरेली की मंडल आयुक्त हैं संयुक्ता समद्दर, उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें वो अपने कार्यालय में घर के या ऑफिस के कहीं बैठी हैं, पीछे मंडलायुक्त का बोर्ड लगा है और फाइल कर रही, सामने उनकी मेज पे कुत्ता बैठा है। उसके बारे में उन्होंने लिखा भी है कि मैंने उसे चूज़ नहीं किया, उसने मुझे चूज़ किया है। खैर, ये उनका अपना पशु प्रेम है। लेकिन 1999 बैच की यह अफसर अब विवादों में आ गई है। उनके इस पशु प्रेम ने उनकी आलोचनाओं के द्वार खोल दिए हैं। लोग उनके कुत्ते के कमिश्नर की मेज पर बैठने को बुरा मानते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी आलोचना हो रही है। संयुक्ता कोलकाता की रहने वाली है, उनके हस्बैंड UP कैडर में ही IAS हैं, 1999 बैच के ही रविंद्र, और इस समय स्वास्थ्य महकमे में सचिव हैं। थोड़े दिन पहले ही वो केंद्र से लौटी हैं, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहीं लंबे समय तक। उनके लौटने के 1 महीने बाद ही उनको बरेली का कमिश्नर बना दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने जो खुद अपनी तस्वीर ट्वीट की, उसने हंगामा मचा दिया। उनके कुत्ते को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। अब स्वाभाविक है, चूँकि त्यौहार का मौका था, दिवाली थी, आनंद का अवसर था, कमिश्नर को भी नहीं अंदाजा रहा होगा कि ये फोटो इतनी वायरल होगी और इस तरह से उनकी आलोचना होने लगेगी। अब इस आलोचना से घबरा कर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन जो भी इस फोटो को देखता है, तस्वीर को, वो ये मान सकता है कि अगर आपका कोई पालतू जानवर है, आप उसे अपने घर की मेज पर, सोफे पर या बेड पर बैठाकर कोई काम करते हैं, तो ये किसी अपराध की श्रेणी में नहीं है, ना ही ये किसी गलत काम की श्रेणी में आता है। लेकिन हम जिस दौर में हैं, वहाँ सोशल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। यहाँ आपको वाहवाही भी मिलती है तो आपकी खुलेआम आलोचना भी होती है, और इस आलोचना के लिए खास तौर से बड़े लोगों की तो लोग अवसर ढूंढते रहते हैं। आज इस आलोचना ने कमिश्नर को भी शायद इसका वो पक्ष याद दिला दिया जो अभी तक उनको इसका अनुभव नहीं रहा होगा। हालांकि संयुक्ता और उनके पति दोनों बेहतरीन अफसरों में शुमार किए जाते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं है, मेहनती अफसरों में दोनों की गिनती है। लेकिन जब चिंगारी निकल गई, तीर हाथ से निकल गया, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं तो लगना था, कहीं ना कहीं जलना था, और उसका नुकसान और नफा दोनों था। लेकिन आज के ज़माने में अफसर वो अच्छा है जो पशु के साथ साथ इंसानों से भी प्रेम करे, जो गरीबों को भी उतना सम्मान दे जो अपने जितना जानवरों को देता है, जिनसे दूर दराज से मिलने वाले जो फरियादी आते हैं, जिनके बदन से पसीने की बदबू आती है, उनको भी सम्मान मिले, वो भी इंसान हैं। अगर उनको सुविधा होती तो वो भी साफ़ सुथरे रहते। कुत्ता और गाय अगर साफ़ सुथरी रह सकती है
तो इंसान मजबूरी में ही गंदा रहता होगा। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको मंजर भोपाली साहब की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें विज्ञान, प्यार, मोहब्बत सब चीज़ें छुपी हुई हैं। तो सुनिएगा कि हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह सब के यजीदों का दम निकलता है, और तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। नमस्कार।